खबर बिहार के किशनगंज जिले से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पायदान पर रहने वाले किशनगंज जिले का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय संचालित है, जिसमें करीब 8,000 से ज्यादा छात्राओं का नामांकन है, लेकिन 8,000 छात्र छात्राओं का भविष्य सुधारने और शिक्षा देने के लिए मात्र 10 शिक्षक ही मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशनगंज जिले के एकमात्र सरकारी महाविद्यालय मारवाड़ी कॉलेज की, जहां 11वीं कक्षा से लेकर पीजी तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 16 विषय में छात्र छात्राएं नामांकन लेकर पढ़ाई करने का सपना देखती हैं, लेकिन महाविद्यालय में जब शिक्षक ही प्रतिनियुक्त नहीं हो तो कैसे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जिला मुख्यालय में संचालित मारवाड़ी कॉलेज जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अधीनस्थ 11वीं कक्षा से लेकर पीजी तक के करीब 8,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं का नामांकन है, जिसके एवज में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, गणित, फिजिक्स, फिलोसफी विषय के मात्र एक एक शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं, जबकि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, पर्सियन और संस्कृत विषय का एक भी शिक्षक महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि बीते 1 अप्रैल 2022 से अब तक महाविद्यालय में प्राचार्य भी प्रतिनियुक्त नहीं है। हालांकि कागजी तौर पर कटिहार डीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार को अतिरिक्त प्रभार मिला है, जो 1.5 साल में महज 3 से 4 दिन की मारवाड़ी कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बारिश में भीगते हुए परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करते हुए बताया है कि महाविद्यालय के विभिन्न काउंटर पर शेड नहीं रहने से रोजाना सभी छात्र छात्राओं को बारिश में भीग कर और चिलचिलाती धूप में खड़े रहना मजबूरी है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज परिसर में बच्चों को बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं रहने से दूर दराज से आने वाले छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर NSUI के प्रदेश सचिव अमन रजा, NSUI के जिलाध्यक्ष इश्तियाक आरफीन, NSUI के प्रभारी विक्की ठाकुर, छात्र फैजान आजम, अफसाना नाथ सहित दर्जनों छात्र छात्राओं ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर विरोध प्रकट किया। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सजल प्रसाद शाह ने बताया कि महाविद्यालय में शिक्षक नहीं रहने से बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाती है और सरकार के 75% उपस्थिति वाले फरमान का भी सही से अनुपालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में सरकार द्वारा महाविद्यालय को बहुत जल्द सभी विषय के शिक्षक प्रतिनिधि किए जाने की आवश्यकता है। सारी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को बताने से आप लोग खुद देख रहे हैं, आए हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं। लाइट नहीं रहती है, टाइम पे क्लास नहीं हो पाती है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में इतना सारा स्टूडेंट है, एक सब्जेक्ट में 200 से 300 स्टूडेंट है, बट इतना टीचर नहीं है। फिजिक्स का क्लास नहीं होती है तो एक टीचर है, वो कितना स्टूडेंट को संभालेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के भी टीचर्स नहीं है, ज्योग्राफी के टीचर्स नहीं है, बहुत सारे टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाती। बच्चे इतने दूर से आते हैं, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर से आते हैं, बट बच्चा पढ़ नहीं पाते, वापस जाते हैं। और एक भाड़ा, एक रेंट लगता है आने में, 200 से 300 रुपया डेली खर्च होता है, बट उसका कोई पढ़ नहीं पाते, उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। पापा कितना मेहनत से कमा के देते हैं और हम लोग पढ़ नहीं पाते। BA पार्ट 1 का छात्र हूँ, अभी तक बारिश में भीग रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। क्या काम से आए हैं? जी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। क्या कुछ मांग करते हैं यहाँ पे कॉलेज के लिए? कॉलेज के लिए हम यही मांग करते हैं कि कॉलेज में सीट लगना चाहिए, क्योंकि बारिश में स्टूडेंट लोग को बहुत ही तकलीफ होता है, उस चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। और कैंपस में बहुत सारे ही इंतज़ाम होने चाहिए। कॉलेज में बहुत समस्या है, जैसे अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एक नया रूल निकला कि 75% अटेंडेंस सब बच्चे को करना पड़ेगा, तो भाई किस आधार पर करेंगे ना? यहाँ पे शिक्षक है ही नहीं, तो बच्चा आके भी क्लास क्या करेगा, अटेंडेंस बनेगा कैसे? शिक्षक का पहले बहाली कीजिए, उसके बाद आप ये क्लास स्टार्ट करवाइए। बच्चे कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं, कोई टेढ़ागढ़ से आती है, कोई चला बहादुरगंज से आता है, कोई कटिहार से आता है। ये सब बच्चे का समस्या नहीं दिख रहा आपको, अटेंडेंस की पड़ी हुई है। 75% अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप होगा, ये कहाँ का मसला? पहले आप अपना शिक्षक बहाल कीजिए। प्रधानाचार्य महोदय का जो कार्यकाल रहा है मारवाड़ी कॉलेज में, महज 5 दिन का रहा है। इस 5 दिन के कार्यकाल में जो है कोई फाइनेंशियली वर्क नहीं हो पा रहा है महाविद्यालय में। जो सीट का जो कार्य बाधित पड़ा हुआ, वो फाइनेंशियली वर्क के कारण पड़ा हुआ है। जो छात्र छात्राओं के लिए जो ये बैठने का सीट बनाना था, वो फाइनेंशियली काम पड़ा हुआ है। फाइनेंशियली काम सारे पड़े हुए हैं, सारे कार्य जो है बाधित पड़े हुए हैं। ड्यू टू रीज़न ये हो रहा है कि यहाँ अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विश्वविद्यालय की मनमानी है, और जो प्रधानाचार्य हैं वो कान में केल डाल के सोए में है। वो DS कॉलेज कटिहार में अभी वर्तमान में प्रधानाचार्य, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसमें अब तक कोई निदान नहीं हो पा रहा है। 3 से 4 बार प्रधानाचार्य महोदय को अवगत कराया जा चुका कि कॉलेज परिसर में जो भी काउंटर है उसमें शेड की व्यवस्था कराई जाए, बच्चों के बैठने के लिए
बैठने के लिए स्टैंड की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन अब तक प्रधानाचार्य महोदय द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। सबसे बड़ा परेशानी यहाँ का ये है कि हमारे कॉलेज में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है, जिस कारण बच्चों को ये काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं 10 विभाग में एक एक शिक्षक हैं, 16 विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था है हमारे वहाँ, लेकिन 10 विभाग में ही केवल टीचर हैं और वो 10 विभागों में एक एक शिक्षक है, जो कि अपने क्षमता के अनुसार क्लास 11 से लेकर के PG तक का क्लास ले रहे हैं। तो क्लास जो है 10 विभाग में जो शिक्षक हैं वो क्लास ले रहे हैं।